इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित पॉश कॉलोनी हाईलिंक सिटी में हुई डकैती का इंदौर पुलिस ने खुलासा किया है। इस पूरी घटना के पीछे साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी पिंटू जैन निवासी टांडा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने परिवार को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल 5 आरोपियों से लूटा गया माल पुलिस बरामद कर पूछताछ कर रही है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र की हाईलिंक सिटी में सीए की यहां हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस पूरी डकैती की साजिश सीए निखिल चोपड़ा की मां निर्मला के भाई के लड़के पिंटू ने रची थी। टांडा निवासी पिंटू सहित 5 लोगों को पकड़ लिया गया है। दरअसल 31 जनवरी को एरोड्रम क्षेत्र की हाईलिंक टाउनशिप में नकाबपोश बदमाशों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। प्रारंभिक तौर पर 30 लाख रुपए की डकैती बताई जा रही थी। फरियादी ने पुलिस को बताया था कि रात लगभग 3:30 बजे नकाबपोश बदमाश घर में छत के रास्ते से घुसे। निखिल, उनकी पत्नी और छोटी बेटी ऊपर के कमरे में सो रहे थे। बदमाशों ने उनके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और नीचे आए। नीचे उनके बुजुर्ग माता पिता अजीत चोपड़ा और निर्मला चोपड़ा ही थे। बुजुर्ग दंपति ने नींद खुलने पर विरोध किया तो बदमाशों ने डंडों से उन पर हमला कर दिया था। बदमाश निर्मला के पहने हुए जेवर सहित घर में रखे जेवर भी ले उड़े थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 नकाबपोश बदमाश होने की बात सामने आई थी। 1.5-2 लाख नगद और बाकी 27-28 लाख रुपए के जेवर डकैत ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान पुलिस ने की थी। वहीं पर इनाम भी घोषित किया था। वहीं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम और फिलहाल 5 ही आरोपी मुखबिर तंत्रों को भी सक्रिय कर दिया गया था। तभी मुखबिर से क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुछ लोग लाखों के सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर बंटवारे के लिए नवदा पंथ गांव के पास एकत्रित होने वाले हैं। सूचना मिलते ही एरोड्रम पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी वेशभूषा बदलकर मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से लूटा हुआ माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी एक और नकाबजनी की वारदात करना कबूल किया है। फिलहाल अभी 5 आरोपियों से और पूछताछ की गई है। कई और भी वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद है। सर बताइए, 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात को एरोड्रम क्षेत्र में सीए हैं मिस्टर अजीत चोपड़ा, उनके घर में डकैती की वारदात हुई थी और नकदी और सोना चांदी के जेवरात बदमाश लेके गए थे। और ये सनसनीखेज वारदात थी। इंदौर पुलिस के ऑफिसर्स के लिए ये एक चैलेंज था। इसका बहुत ही अच्छा डिटेक्शन हमारे एसपी वेस्ट, एडिशनल एसपी क्राइम, एडिशनल एसपी जोन इन्होंने किया है और साथ में इनकी टीम के ऑफिसर्स ने, और 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 5 ने अपना अपराध स्वीकार किया है। अभी इस घटना के साथ जो चोपड़ा जी के घर के बगल में भी एक आवास था, उसमें भी वारदात हुई थी और उस वारदात में करीब कुछ लोग निकलते हुए दिख रहे थे। तो ये पूछताछ के क्रम में जो अभी प्रारंभिक पूछताछ आरोपियों से हुई है, उसमें उन्होंने उनके बारे में भी बताया है। वो अनुसंधान अभी उसमें चल रहा है और हमें विश्वास है कि उनको भी हम राउंड अप करेंगे। ये एक बड़ा गैंग है, 2 4-व्हीलर इसमें इन्वॉल्व थे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग देम। इनसे अन्य वारदातें जो इंदौर नगर में हुई हैं या दीगर ज़िलों में हुई हैं, उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। मुझे इनके जो इन्फॉर्मेशन इनसे ली है, उसके आधार पे अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जाएगा। सर दोनों अलग अलग गैंग थी? नहीं, एक सेम गैंग है। वो साथ ही आए थे और ये इस आवास में गए थे, वे दूसरे आवास में गए थे। बरामदगी में कुछ उनका जो मशूका है वो बरामद हुआ है, शेष की अभी तलाश जारी। इस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो मोडस ऑपरेंडी था, उससे हमारे ऑफिसर्स बहुत हद तक कन्विंस थे कि ये कहाँ के क्रिमिनल्स हो सकते हैं, और वहीं ज़ीरो इन इन्होंने किया था। उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व था,
उसके डिटेल्स शेयर करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल जो जितना इंटेलिजेंस था उसके आधार पे इन्होंने ज़ीरो इन किया। कुछ फुटेजेस के आधार पे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स के आधार पे वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भी हेल्प की इसमें। चूँकि इनाम घोषित था तो मोटिवेशन लेवल भी था और सेंसेशनल वारदात थी, उसका निकाला जाना एक चैलेंज था, इसमें सभी ने बहुत लग के काम किया है। और जो दीगर अभी फरार अपराधी हैं जिनका कि इन्होंने खुलासा किया है, उनकी भी अब तलाश वार फुटिंग पर की जा रही है। ये एक टांडा गांव पड़ता है धार के पास का, तो वहाँ की घटना इन्होंने क्यों करी सर, या कुछ कारण आया निकल के उसी में घर को क्यों सुना? संपत्ति संबंधी अपराध हैं एंड दे इनको आइडिया था कि वो जो एक क्रिमिनल इसमें से इन्वॉल्व है, जो इसका सरगना अपन कह सकते हैं, वो इसी फैमिली से रिलेटेड है, और चूंकि उसको आइडिया था इस प्रयोजन से उसके द्वारा ये वारदात की। बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है। सर ये चोपड़ा का भतीजा था या जैन का भतीजा था, वो दोनों में वारदात? उनके रिलेटिव ही है, चोपड़ा का भतीजा। सर का भतीजा, तो ये सर इसके ऊपर और भी अपराध होंगे या कहीं और भी वारदातें की हैं? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दैट क्रिमिनल रिकॉर्ड विल बी, उसका हम पूरी तरह से देखेंगे, और एनहांस पनिशमेंट के लिए भी अगर उसमें कोई ऐसा आता है तो उसके लिए भी हम माननीय न्यायालय से। ये भी टाटा का ही रहने वाला था जो भतीजा?